बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिल्ली स्टाइल रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नए तरीके के चिकन स्प्रिंग रोल बनाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है हाफ के जी बोनलेस, और इसकी आपने छोटी छोटी बोटियां कर लेनी है, तकरीबन 1.5 से 2 इंच तक की। हाफ टी स्पून नमक और 1 चम्मच मैंने इसके लिए पिसा हुआ लहसुन लिया है। सबसे पहले हम ये करेंगे कि इन सारी चीजों को उबलने रख देंगे, फिर बाद में जिन चीजों की जरूरत पड़ती जाएगी मैं आपको दिखाती जाऊंगी। पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि चिकन डूब जाए, ये मैं इसको उबलने रख रही हूँ। ये इसको मैंने अच्छी तरीके से मिलाकर मैं इसको अभी उबाल लूंगी। फिर हम जब इसको उबालने के बाद जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी चिकन स्प्रिंग रोल बनाने के लिए, मैं वो चीज आपको बाद में दिखाऊंगी। इसको रखे पूरे 15 मिनट हो गए हैं और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये लहसुन है और इसको फेंकना नहीं है। मैं इस समय इसको पहले छान के फिर इसके ठंडा होने के बाद इसके रेशे रेशे करूंगी। अभी बहुत तेज गर्म है, जब ये ठंडा हो जाएगा मैं इसके रेशे रेशे करूंगी और इसके अंदर जो चीजें मिलानी होंगी मैं फिर वो भी आपको सिर्फ दिखाऊंगी। बोटियां ठंडी हो गई थी और इसके मैंने इस तरीके से रेशे कर लिए हैं। अब मैं स्प्रिंग रोल की फिलिंग तैयार कर रही हूँ, इसलिए सबसे पहले हमें रेशों की जरूरत पड़ेगी जो हमने बोटियां उबाल के रखी थी। इसके अलावा मैंने ये लिया है बंद गोभी 100 ग्राम तकरीबन, 3 हरी मिर्चें, चूंकि हम इसमें नमक पहले भी डाल चुके हैं इसलिए मैंने 1/2 टीस्पून अब नमक लिया है। और मसाले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ऑरिगेनो है 1 चम्मच, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच जीरा। अब ये सारे मसाले मैं इसमें मिला देती हूँ। इसको मैं किसी तसले वगैरह में लौट लेती हूँ, क्योंकि तीन हरी मिर्ची ली है मैंने, ये इसमें पूरी तरीके से मिलाया नहीं जाएगा इसलिए मैं इसको एक अलग बर्तन में लौट के पहले इसके मिला लूंगी। फिलिंग मैंने तैयार कर ली है और अब मैं स्प्रिंग रोल शीट्स के जो चीजें तैयार चाहिए होंगी वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम 3 अंडे तोड़ लेंगे और इनको अच्छी तरीके से घोट लेंगे। और अब जो चीजें मैं इसमें डालने वाली हूँ वो देख लीजिए, मैं इसमें 3 चम्मच मैदा डाल रही हूँ, 1 चम्मच मैदा और 1.5 चम्मच मैंने इसके लिए लिया है कॉर्नफ्लोर। इसको भी हम अच्छी तरीके से इसमें मिला देंगे। मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और बहुत थोड़ा सा पानी। इसको आपने इतना घोटना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए। इसको मैंने पूरे 1 मिनट तक अच्छी तरीके से घोट लिया है, ये देखिए ये बिल्कुल एकदम क्रीमी हो गया है। और अब मैं आपको चूल्हे पे एक कढ़ाई रखनी है। अब हमने करना यह है कि एक ऐसा फ्राई पैन लेना है
जो थोड़ा कम गहरा हो, ये देखिए ज्यादा गहरा नहीं है ये। और अब मैं इसको चूल्हे पे रख रही हूँ, इसको मैंने गैस के ऊपर रख दिया है और इस अभी जो है फ्लेम को हाई पे रखा हुआ है। और जब ये पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें ये जो मैंने बैटर तैयार करके रखा है ये इसमें डालूंगी। फ्लेम को मैंने हाई पे रखा हुआ है और हम ये जो बैटर हमने तैयार किया हुआ है ये हम इसमें डालेंगे अच्छे से, और इसको चारों तरफ ऐसे करके यूं करके फैला देंगे। जितना हम इसको फैला सकते उतना हम इसको फैलाएंगे। ये देखिए अब बाकी का हम इसको उतार लेंगे, क्योंकि ये अंडा है इसलिए अपने आप ही छूटने लगेगा। ये देखिए छूटना शुरू हो गया। ये अभी ये थोड़ा सा ऊपर से पक जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें कच्चापन नजर आ रहा है। जब से हम ऐसे करके यूं करके थोड़ा सा आड़ा कर लेंगे ताकि ये हर तरफ से हो जाए। ये देखिए ये छूटना शुरू हो गया, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा इसको और होने दूंगी। ये जरा सा ये थोड़ा सा ये देख रहे हैं आप, ये कच्चापन यहाँ पे ये हल्का सा इस जगह है, इसको मैं इंतजार कर रही हूँ। बाकी ये देखिए कितनी आसानी से ये छूट गया। मैंने फ्लेम को सिम पे कर दिया और अब मैं इसको उतार रही हूँ। ये देखिए कितने आराम से ये अलग हो गया और अब मैं इसको एक प्लेट में उतार रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए अब मैं दूसरा भी इसी तरीके से तैयार करूंगी। ये एक और मैंने इसके अंदर डाल दिया है और ये अब फिर ये भी छूटना शुरू हो गया है। ये देखिए अभी मैंने फ्लेम को जो है हाई पे रखा हुआ है। ये देखिए ये भी अलग हो गया कितने आराम से, मैं आपको चिमटे से पकड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए बैटर थोड़ा सा पतला कर ले, नहीं तो अगर आप बैटर को गाढ़ा रखेंगे तो आपकी जो शीट है वो मोटी बनेगी, और अगर थोड़ा सा पतला रखेंगे तो शीट बिल्कुल बारीक बनेगी। मैंने बैटर को पतला रखा हुआ है, दिखाओ। बल्कि ऐसा करते हैं सारे ही डाल देते हैं, इसको दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे हिला देते हैं। ये देखिए जितनी बड़ी बन जाएगी। ये हो गया, फ्लेम को हाई पे रखना है ताकि साइड से ये अपने आप अलग हो जाए। मैंने तीन अंडे लिए थे, थोड़ा सा पानी भी डाला है इसमें एक कटोरी। और देखिए इसके अंदर मैं आपको बता दूं, मैंने तीन इसके अंदर बना ली हैं स्प्रिंग रोल शीट्स। ये माशाल्लाह की देखिए कितनी आसानी से अलग हो गई। मैं एक सेकंड के लिए इसको और छोड़ देती हूँ, जरा सा इधर से होने देते हैं। और मैं फ्लेम को ऑफ कर दिया है और मैं इसको भी उतार रही हूँ। अब हम ये करेंगे कि एक अंडा और तोड़ लेंगे और इसको अच्छे से घोट लेंगे। इसको हम अलग रख लेते हैं। ये जो हमने शीट्स बनाई है इसको हम एक फैलाएंगे। इसको पहले मैं ठंडा होने दिया है मैंने इसको 5 मिनट, और जब हमने फिलिंग तैयार करी है वो हम इसके ऊपर रखेंगे। मैं इसके ऊपर फिलिंग रखूंगी। बिस्मिल्लाह। अब थोड़ी सी मैंने मैदा घोल के रख ली है कटोरी में, इसको हम पहले साइड से इधर से मोड़ लेते हैं। जैसे स्प्रिंग रोल शीट्स को इसको हम फोल्ड करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से करना है। यहाँ पे हम थोड़ी सी मैदा लगाएंगे जो हमने पानी में घोल के रखी हुई है।
चाहे तो ब्रश से लगा ले चाहे चम्मच से लगा ले। बिस्मिल्लाह। तो मैंने फोल्ड करके रख दिया है और अब मैं अभी बाकी के दोनों भी सिलेंडर तैयार कर लूंगी। तीनों मैंने रोल तैयार कर लिए हैं और अब जो मैंने ये अंडा घोल के रखा है, सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसको इस अंडे में अच्छे से डिप कर लेंगे। अगर आप तीन रोल बना रहे हैं तो एक अंडा काफी रहेगा। ऑयल मैंने पहले से गरम किया हुआ है और मैं एक एक करके इनको इसमें रख दूंगी। चिमटे से रख रही हूँ मैं आराम आराम से। फ्लेम को मीडियम पे रखना है और इसको अभी थोड़ी देर के लिए मैं, जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाएंगे, मैं इसको फ्राई होने दूंगी। एक साइड से आपको फ्राई करने में 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। और ये देखिए ये साइड ये तो बिल्कुल हो गया और अब मैं इसको निकाल लूंगी। और हम इस वजह से अभी इसको थोड़ा सा और सेक लेंगे। थोड़े कच्चे लग रहे हैं। बाकी के दोनों भी फ्राई हो चुके हैं, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और मैं इनको भी निकाल रही हूँ। ये देखिए और अब मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ। चिकन स्प्रिंग रोल मैंने सर्व कर दिए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल दिल्ली स्टाइल रेसिपी।